आज जो मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ, आपने पहले कभी भी ऐसे नहीं बना के खाई होगी। बहुत ही यमी, टेस्टी, डिलीशियस रेसिपी है और बनाने में बहुत आसान है और टेस्ट तो बस पूछो ही मत। तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ अंजलि और आपका ब्लॉगर अंजलि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रेसिपी का नाम अब मैं आपको बता ही देती हूँ। तो ये है सोया चंक्स एंड पटेटोज़ हैं ये दोनों, सोया चंक्स और आलू की सब्जी है ये। बहुत ही यमी, टेस्टी और एक अलग स्टाइल से मैंने बनाई है। पूरे यूट्यूब पे पहली बार ये रेसिपी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 250 ग्राम सोया चंक्स को हम 2 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में हम सोक करके रख देंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसे स्क्वीज करके रख लेंगे। तो ये मैं सारे सोया चंक्स को स्क्वीज करके रख लिया है, निचोड़ के इसको पानी, और सारी सब्जियों को काट लिया है। चापा चालू, प्याज, लहसुन, अदरक नहीं हरी मिर्च और टमाटर, ठीक है, सबको चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि एक कुकर में मैंने 6 चम्मच तकरीबन ऑयल को गर्म करके उसमें 1 चम्मच जीरा और हींग डालकर अब मैंने इसमें गार्लिक, लहसुन और प्याज को बारीक बारीक काटा है। लहसुन साबुत है, प्याज को थोड़ा सा स्लाइस में काटा है बारीक, और उसे हम भूनेंगे। 2 मिनट भूनेंगे और नमक डाल लेंगे थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, ये अच्छे से जल्दी भुन जाएगी और फटाफट भुन जाएगी। जैसे ही प्याज थोड़ी सी पिंक पिंक होती है, गोल्डन सी होती है, इसमें सारे मसाले डाल देंगे हमने। सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और कसूरी मेथी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी। कसूरी मेथी भून के मैंने पाउडर बना रखा है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और इसे भी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, तो ताकि ये भी गल जाए। टमाटर के बाद हल्का सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और 2 कड़छी पानी डाल के यहाँ पर मैं इसे 2 सीटी लगा लूँगी और उसे अच्छे से मसाले को कुक होने देंगे। इधर हम ना एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल फ्राई करने के लिए, और यहाँ पे मैंने सारे आलू जो मैंने धो काट लिए थे उन्हें धो के जो है यहाँ पे तलने के लिए डाल दिया है। और एक तरफ सोया चंक्स में मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, ये 3 चम्मच बड़ी वाली कॉर्नफ्लावर मैंने इतने सोया चंक्स में डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी आपका टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और अगर ज़रूरत लगे तो हल्का सा पानी का छींटा आप दे सकते हो, ताकि बस हमें ऐसा चाहिए इसकी कोटिंग हो जाए, ये सारा कॉर्नफ्लोर जो है ना हमारे सोया चंक्स पे चिपक जाना चाहिए, थाली में नहीं रहना चाहिए कुछ भी, ठीक है? बस इतना ही हमें इसमें करना है। तो हल्का फुल्का पानी का छींटा लगा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये आलू भी फ्राई हो चुके हैं, देखिए इतने बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए हैं, और 80% ये कुक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यमी रेसिपी है, और फर्स्ट टाइम शायद आप देख रहे होंगे इस तरीके से। देखो अब मैंने सोया चंक्स को भी तल लिया है, इसको मैंने डायरेक्ट, और यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है ना वो तेज़ है, हाई फ्लेम है, और इस तरीके से इसे भी मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो ये ऊपर से क्या होगा, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से जूसी जूसी रहेंगे, देखो इस तरीके से ना ऊपर से कड़क हो जाएंगे। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, स्नैक में बहुत अच्छे लगते हैं। बस यहाँ मैंने कुकर खोल लिया है, और देखिए मसाला जो है ना गल चुका है, और ये इसमें काफ़ी ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब हमें इस स्पैटुला से ना इस सारे मसाले को मैश कर देंगे, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना थोड़ा 5 मिनट लगते हैं, और इस तरीके से सारी लहसुन वगैरह को ना मैश कर दिया है, प्याज को, टमाटर को, सबको अच्छे से मैश कर दिया है। तो 5 मिनट हम इसी तरीके से करेंगे। देखो मसाला इस तरीके का हो जाएगा ना, जब जैसे ऑयल छोड़ने लगेगा काफ़ी अच्छा सा, और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, इकट्ठा सा हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर जो है अपने सारे मसाले डाल देंगे सूखे वाले, ठीक है? तो ये देखो इस तरीके का हो जाना चाहिए, थोड़ा 5-7 मिनट लगेंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत यमी टेस्ट आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये सारे हमारी जो है ना दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच चिकन मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, और नमक है 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और ये सारे जो है सूखे मसाले डालने के बाद 1 कड़छी पानी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि सूखे मसाले डालने से एकदम से ना वो जलने लगते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे, और देखिए इतना बढ़िया ये कलर आ जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च से इतना कलर, इतना सुंदर आया। और देखो
सारा ऑयल इसने जो है छोड़ दिया है इस मसाले ने, हमें ऐसा ही चाहिए। उसके बाद हम ये सारी अपनी जो हमने आलू और सोयाबीन तल के रखे हैं ये सब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस सब्ज़ी में ये है कि आप जो है इसको तरी वाली भी बना सकते हो और इसको सूखी भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा रस्मी सी बनाई है, बहुत ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाई है। अगर आप ज़्यादा तरी वाली बनाना चाहते हो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लेना, ठीक है, और फिर आप तरी वाली बना सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके की सब्ज़ी चाहिए। तो मुझे थोड़ी लिपटी हुई सी सब्ज़ी चाहिए थी। ये देखो दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिला ली हैं और यहाँ थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा मैंने ये कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके और उसे पीस लिया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पे आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ तकरीबन मैंने जो है एक गिलास के आसपास पानी डाला है क्योंकि सब चीज़ें ज़्यादातर कुक ही हैं, बस हमें हल्का सा एक बॉयल लेना है। या तो आप इसे खोल के इसी तरीके से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लो या आप एक बार सीटी लगा लो, मतलब सीटी नहीं आधी सीटी लगा लो। देखो ये कितनी बढ़िया तरी हो रखी है ना, एकदम फर्स्ट क्लास तरी बन के आई है और बहुत यमी है। तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाया और आधी सीटी बाद मैंने खोल लिया आधी सीटी के बाद, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की हो गई है, रस्मी सी सी है, थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी भी है और तरी भी है और गाढ़ी भी है। तो सब चीज़ें फूल गई हैं, कुक हो गई हैं बहुत बढ़िया करके। अगर आपको तरी वाली चाहिए थोड़ा पानी आप ज़्यादा डाल लेना, ठीक है। बस अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, ऐसे ही खा लो, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। और इसके ऊपर हल्की सी प्याज डालो, नींबू डालो, खा लो तो बहुत अच्छी लगती है। और इसे आप सब्जी को आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, पराठा, रोटी, पूरी, चावल। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।